मेरे लड़के लगाए थे आप परेशान हो गए थे। आज मैंने अपने समर्थकों से कह दिया कि आज आप लोग जिंदाबाद मत लगाना, हमारे भी समर्थक आएंगे। मैं शेर बहादुर जी आपको कहना चाहूंगा, आपने भाषण दिया, किसी एक व्यक्ति का नाम लिया, आपने आप बोल लीजिएगा ओझा जी, आप बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा क्या यहाँ पे शिवाकांत ओझा बैठ करके अपना गुणगान करा रहे थे। तो मैंने अपने भाषण में कहा कि आप इस बात से क्यों खुश हो, आपको रोकना चाहिए, अभी कोई प्रत्याशी नहीं घोषित हुआ है, किसी प्रत्याशी का नाम नहीं होना चाहिए, ये गलत बातें हैं, यही बात तो मैंने कहा। अब आप बताओ, ये आकर के मारपीट कर रहे हैं हमारे, नहीं हमको नहीं मारा, किसको किसको मारा गया? ये ब्रजेश यादव जो हमारी पार्टी का है उसको मारा। क्या है ब्रजेश यादव? ब्रजेश यादव यहाँ आवेदक हैं। नहीं आपसे भी तो कहा सुनी हुई, हमसे कहा सुनी हुई, जब ये लोग ज्यादा संख्या में थे हम उतर गए मंच से, हमने कहा भाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन जो पप्पू मिश्रा है ये अपने को गुंडा क्या किए थे, ब्रजेश चुप रहो, ब्रजेश यादव जो है बैठे थे, पप्पू मिश्रा ने जाके उनको मारा, शिवाकांत ओझा हमारे पास आकर के मारपीट पुतारू हो गए, उनका लड़का उतारू हो गया। तो आप लोग अब जो है इसका बहिष्कार कर रहे हैं? हम इस मीटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूँगा कि ये जो है शिवाकांत ओझा को पार्टी से निकालें, नहीं तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा।